एक बड़ी खबर बता रहा हूं, जो मैं अपने चुनाव प्रचार में भी कह रहा था और आज मैं फिर कह रहा हूं। आज जो नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन जो अब बहुमत में नहीं, जिसको मिला है और नरेंद्र मोदी को अच्छी टक्कर दी, इंडिया गठबंधन का पूरा कंसेप्ट नीतीश कुमार का कंसेप्ट था। और अब खुलासा हुआ है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों, कोई बैकवर्ड प्रधानमंत्री बने। ये दोनों सवर्ण समाज के नेता हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सरकार 5 साल चलेगी, आप लिख लीजिए 5 साल चलेगी, क्योंकि ममता बनर्जी देर सवेर इस सरकार का समर्थन कर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पीछे हटे तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इस सरकार का समर्थन कर सकते हैं, ऐसा उम्मीद है। वहीं तमाम दलों के जो सवर्ण नेता हैं वो संपर्क में, लेकिन सबसे खास बात है दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक बहुत जागरूक हुए हैं और अब इनकी अनदेखी कोई नहीं कर सकता है। सोचिए, इंडिया गठबंधन ने जो चुनाव लड़ा उसमें नारा क्या था? अखिलेश यादव का नारा था पीडीए, तेजस्वी यादव सोशल जस्टिस के, लालू यादव के प्रतीक की पार्टी हैं। वहीं आप सोचिए, जाति जनगणना, आरक्षण का 50% का कैप हटाना, ये बड़ा मुद्दा था और इस पर चुनाव लड़ा गया है। लेकिन सोचिए, अब खुलासा हो गया है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के संयोजक बने, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। और शायद यही वजह है कि चुनाव के नतीजों के बाद भी तेजस्वी यादव, मैं पिछले वीडियो के लिए माफी चाहता हूं जिसमें मुझे जानकारी दी गई थी कि तेजस्वी यादव शायद खिलाफ थे, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। नीतीश जी ने कहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, मैं इंडिया का संयोजक बनूंगा, मतलब प्रधानमंत्री उम्मीदवार, और वो मायावती जी से संपर्क में थे, वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार हो सकती थी। नेक्स्ट वो नवीन पटनायक जेडीएस और चंद्रबाबू नायडू के भी संपर्क में थे, और इसलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने मिलके ममता बनर्जी को इस गठबंधन से बाहर रखने का फैसला किया है। तो सोचिए, बाद में इंडिया गठबंधन के में शामिल होकर ममता बनर्जी ने चुनाव नहीं लड़ा। सोचिए, दो लोग ऐसे थे जो कहने के लिए इंडिया गठबंधन में थे लेकिन वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल पंजाब में सभी सीटों पर कांग्रेस और केजरीवाल आमने सामने लड़ रहे थे। अब बताइए, बी टीम कौन हुई? जो इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी नहीं थे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 7 सीट हार गए, उसके बाद पंजाब में उन्होंने बीजेपी को जिताया। वही रणनीति ममता बनर्जी की थी, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी आमने सामने था। तो अब सब कुछ साफ हो गया है कि नीतीश कुमार को सिर्फ दोष मत दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, पार्टी कोई भी हो, सवर्ण समाज के लोग एक साथ हैं। वही नरेंद्र मोदी की कुछ राजनीति की तारीफ करनी पड़ेगी। सोचिए, पंजाब में बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए वहां से बिट्टू, जो एक बेअंत सिंह के जो परिवार से हैं, उनको चुनाव हारने के बाद भी मंत्रालय में जगह देने की कोशिश हो रही है। तो ये चीजें जो हैं वो बैकवर्ड समाज के नेताओं को सीखना पड़ेगा। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि सामाजिक आंदोलन बहुत चला है, सोशल मीडिया की वजह से इस बार संसद में बैकवर्ड समाज के लोग ज्यादा संख्या में जीत के आए हैं। अकेले यूपी में 34 बैकवर्ड ने चुनाव जीता है। रिजर्व सीट पर 18 एससी समाज के आए हैं, 34 बैकवर्ड ने चुनाव जीता है, 5 मुस्लिम समाज के लोग भी चुनाव जीत के आए हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस का जब अकेले का दौर होता है तो सबसे कम बैकवर्ड जीतते हैं। बिहार में भी इसी तरह की स्थिति थी, नीतीश कुमार जी ने 16 में से 12 बैकवर्ड लड़ाए थे, बीजेपी ने वहां 5 ही बैकवर्ड दिए थे, बाकी 4 बैकवर्ड दिए थे, बाकी सवर्ण लड़ाए थे। आरजेडी ने भी वहां 2 ही सवर्ण लड़ाए थे, जिसमें एक सवर्ण जो है बक्सर वाली सीट वो जीतने में कामयाब हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन नजर होगी, सोचिए, जेएमएम हो, बीजेपी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, इन सब लोगों ने सोशल जस्टिस का मुद्दा उठाया था। लेकिन सवाल है कि सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बैकवर्ड को रिप्रेजेंटेशन देंगे? पिछली बार उन्होंने 27 ओबीसी मंत्री की बात तो कही थी, ये बहस टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। सोचिए, अर्नब गोस्वामी के टेलीविजन चैनल पर आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने करारा जवाब दिया,
वहां एक सवर्ण नेता जो कि कांग्रेस का नेता है वो आरक्षण खत्म करने की बात कह रहा था। तो पार्टी कोई भी हो, सवर्ण समाज के जो नेता है वो अपने आइडियोलॉजी को लेकर क्रिस्टल क्लियर, और वो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए दलित पिछड़ों का। मैं इसलिए दलित पिछड़ों से आग्रह कर रहा हूं कि आप भी अपने बैकवर्ड दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को चुनिए, वही आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय में क्या फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा? मैं देखूंगा शपथ ग्रहण के बाद पोर्टफोलियो किसको मिलता है, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि सरकार में आपके लिए कुछ है या नहीं है। क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू आपको कुछ दिला पा रहे हैं कि नहीं? जयंत चौधरी जो किसान कम्युनिटी से आते हैं उनको कौन सा मंत्रालय मिलता है? अनुप्रिया पटेल को कौन सा मंत्रालय मिलता है? या फिर आज भी क्या ब्राह्मण समाज से आने वाली निर्मला सीतारमन, वैश्य समाज से आने वाले गोयल, क्या इन्हीं लोगों का वर्चस्व रहेगा? राजनाथ सिंह को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत न्यायप्रिय लोग हैं। लेकिन सवाल है कि जो सवर्ण समाज है उनको कौन कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, ओबीसी के हिस्से में कौन कौन सा मंत्रालय है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी और मैं आपको एक एक करके विश्लेषण बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी लगातार कोशिश है कि सरकार किसी की भी हो, इस देश के जो शोषित वंचित लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी अल्पसंख्यक हैं, उनके हिस्से में क्या आ रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खबर होती है और मैं इसी से आकलन करता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, डेमोक्रेटिक तरीके में सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है, रामनाथ ठाकुर जो है वो मंत्री बनने वाले हैं, उनको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिवार से हैं, नीतीश कुमार पर ये सबसे ज्यादा दारोमदार होगा कि वो क्या वहां भी ललन सिंह का चलेगा, संजय झा का चलेगा। एक और चीज बता रहा हूं, सोचिए, ये बात तो तय हो गई कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ये दोनों स्लीपर सेल हैं आरएसएस के, बीजेपी के। सरकार बीजेपी की नहीं गिरेगी, क्योंकि जैसे ही नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को पता था कि अगर हम लोगों ने समर्थन नहीं दिया तो ममता बनर्जी बीजेपी के साथ आ सकती हैं, अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल के हिस्से में सिर्फ 3 सीटें हैं पंजाब की, दिल्ली में वो सारी सीटें हार चुके हैं। लेकिन सोचिए, इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी इंडिया गठबंधन को अगर किसी ने नुकसान किया है तो वो ममता बनर्जी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने नुकसान किया है। ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के लिए वो बीजेपी के साथ नहीं दिखते, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस बार ममता बनर्जी बीजेपी के साथ आती है तो बंगाल में उनका सफाया तो हो ही जाएगा, ये तो कोई दूसरी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी का सफाया हो गया क्योंकि वो प्रो एंटी मुस्लिम जा रहे थे, एंटी दलित, सोचिए बीजेपी से नाराज कौन है, पिछड़े, दलित और मुसलमान और किसान, अल्पसंख्यक, गरीब लोग नाराज हैं। तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार पीएम बने, और इसी वजह से इंडिया गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए और वो अभी भी बने हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात होगी ये, टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा क्योंकि वो इस पर डिस्कोर्स ही नहीं करेगा। मैं आपको शपथ ग्रहण के बाद बताऊंगा कि किनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है, पहले तो कौन कौन लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं, अभी तो कयास लग रहे हैं। लेकिन बीजेपी से एक चीज सीखना पड़ेगा कि अगर आपको कहीं पैर जमाना है तो संजय यादव की तरह हरियाणा के यादव को, अगर आरजेडी को हरियाणा में अगर पैर जमाना होता तो समझ में आता है, वो झारखंड के भेज सकते थे, वो यूपी के भेज सकते थे, बिहार के भेज सकते थे, हरियाणा का भेजा है, उसको लेकर भी बहुत नाराजगी है खासकर ओबीसी समाज में। तो ये सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए, शपथ होने दीजिए, मैं बताऊंगा कि कौन लोग को क्या पोर्टफोलियो मिला और वो किस समाज से हैं। तो दलितों पिछड़ों के हिस्से में क्या आएगा, ये सबसे बड़ी खबर होगी मेरे लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि 10 साल में कम से कम बहुजन नेताओं को बहुजन बना दिया गया है, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। सोचिए, कांग्रेस के नेता सरयाम कह रहा है, इस शख्स का नाम है पुरोहित, कोई पुरोहित है ये, कि वरुण पुरोहित, कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, चैनल पर बैठ के कह रहा है, कांग्रेस को इस पर जवाब देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और भाजपा के पास 60,000 करोड़ की अघोषित आय है, इस तरह की खबरें हैं। और
इंडिया गठबंधन के को बिना शर्त टीडीपी से लोकसभा स्पीकर पद समर्थन देना चाहिए, जिससे संसद के अंदर किसी भी दल को मोदी अमित शाह तोड़फोड़ न कर सके। तो अमित शाह को लेकर पहले खबर आई थी कि वो मंत्रालय में नहीं मिल सकता है उनको, लेकिन अब मंत्रालय मिल रहा है। लेकिन कुछ मंत्रियों का तो बटकट गए हैं। नेशनल दस्तक को नोटिस भेजने वाले अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, स्मृति ईरानी नहीं बनेंगी, बीके सिंह नहीं बनेंगे, ये सब लोग जो है इनकी छुट्टी हो रही है। मेरी रुचि इस बात को जानने में होगी कि आखिर दलित पिछड़ों को कितना अधिकार मिलता है, और अगर ये नहीं मिला तो आगे से नरेंद्र मोदी शायद ही फिर से दलित पिछड़ों का भरोसा जीत पाएंगे, क्योंकि उनसे नाराज तो लोग हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि किन लोगों को मंत्रिमंडल मिलेगा, मंत्री में जगह मिलेगी, ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू को खबर है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है हारने के बाद भी। तो बीजेपी पंजाब में अपना पैर जमाना चाहती है और इसलिए ये कोशिश कर रही है। बिहार से किनको मंत्री बनाया जा रहा है ये भी देखूंगा। तो देखते हैं कि क्या इस बार भी सवर्णों का दबदबा रहेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको मिलता है, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय किसको मिलता है, ये सारे बड़े सवाल हैं जो मैं आपको बताऊंगा और इसका सोल्यूशन भी बताने की कोशिश करूंगा। तो ये तो साफ हो गया है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होते तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, एक अच्छी बात जो हुई है पिछले 10 सालों में, कि जो बैकवर्ड समाज के नेता है, खासकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे लोग, वो सोशल जस्टिस पर, बाबा साहेब पर, फूले पेरियार अम्बेडकर पर बात करने लगे हैं, ये एक अच्छी बात है। और अखिलेश यादव की टीम में जो लोग जीत के आए यूपी से, लगभग 34 और 18 और 5, लगभग इस बार काफी संख्या में 50 के करीब संख्या में दलित और बैकवर्ड और पिछड़े अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग चुनाव जीत के आए हैं। ये एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये तभी संभव है जब सोशल मीडिया की वजह से बहुजन समाज जागरूक हुआ है। वहीं अखिलेश यादव ने आज सोशल मीडिया को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय में कौन लोग होंगे, क्या अनुप्रिया को कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, चिराग पासवान को कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, रामनाथ ठाकुर को क्या मिलता है, ये सारी बातें होगी। अठावले क्या फिर से सोशल जस्टिस मंत्रालय में डाले जाएंगे या नहीं डाले जाएंगे, ये भी बड़ी खबर होगी जो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। लेकिन ये बात तो तय है कि 10 साल में बीजेपी ने सोशल जस्टिस के लड़ाई को लाइन खींचा है, और तमाम जो दलित पिछड़े किसान लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, समाज से आने वाले नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो या मायावती हो, इन सबको अब लग गया है कि सोशल जस्टिस की लड़ाई के नाम पर चुनाव जीता जा सकता है, आरक्षण के नाम पर जीता सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जाति प्रधान देश है, यहाँ जाति के हिसाब से ही फैसले होते हैं, जाति का भला जाति के लोग ही करते हैं। कांग्रेस में बाबू जगजीवन राम ने शानदार काम किया जब वो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे या विदेश मंत्री थे, तभी उन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको कि नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, उनके हिस्से में क्या आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और पोर्टफोलियो का बंटवारा, यूपी में सबसे कम इस बार जनरल कैटेगरी के लोग चुनाव जीत के गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। और सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोगों ने किला फतह किया है, झंडा फतह किया है। तो 65% वाली आबादी है, 60% ओबीसी, अगर वो दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यक और ओबीसी एकजुट हो जाएं तो उनकी सरकारें बनती रहेंगी। यूपी में भी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी को इस हार ने सबक तो सिखाया है, लेकिन विपक्षी दल सबक लेते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। धर्म के मुद्दे पर आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर, सोशल जस्टिस के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर ही हरा सकते हैं, ये बड़ी बात बता रहा हूं। तो मैं फैक्ट के साथ बताऊंगा कि मोदी मंत्रिमंडल में किसको क्या मिल रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग टीवी प्लीज टीवी मत देखिए, टीवी आपको दिन भर उलझाए रखता है, आपका डिस्चार्ज करवाते हैं, पैसा खर्च होता है, टीवी देखकर आपके दिमाग में शरारत पैदा होती है। टीवी अखबार, इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस का प्रचारक है, जो नहीं दिखाया जा रहा है वो खबर है, जो दिखाया जा रहा है वो प्रचार है। वहीं देश भर में जो डर का माहौल था उसको तो जरूर खत्म कर दिया गया है, लोग अब बात करने लगे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में। तो अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को इसके लिए धन्यवाद कहना पड़ेगा। मैं तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी धन्यवाद कहूंगा कि इन दोनों ने कम से कम बीजेपी को बताया है कि लोकतंत्र कैसे चलता है और डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे चलता है। सबसे बड़ा डर सता रहा लोगों की, क्या पार्टियां तोड़ दी जाएंगी। मुझे लगता है कि अब इस तरह की गलतियां करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि खुद बीजेपी सवालों के घेरे में है।
और क्या पता ममता बनर्जी कह के धोखा दे जाए। तो अभी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर है, मदद पर है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी आगे क्या करती है। लेकिन एक बात होता है कि सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया बहुजन समाज के लोग देख नहीं रहे हैं, तो मीडिया में क्या खबर चल रहा है इसे तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरा पूरा विश्लेषण इस बात पर होगा कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक और किसान, गरीब लोगों के कितने मंत्री बनाए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, इन सब लोगों ने बाबा साहब का नाम लेना जरूर शुरू कर दिया है। तो एक बड़ी जीत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर जो भी लोग हैं वो सिर्फ खबरें देखे ही नहीं, आप लोग को पढ़ना लिखना बोलना होगा, तब जाकर आपको संवैधानिक अधिकार मिलेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।